नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कॉमर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। टुडे हम लोग 24 मई 2020 का करंट अफेयर्स देखेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नारेडको के नवनियुक्त महानिदेशक का नाम बताइए। ए है राजेश गोयल, बी है श्रीकांत सिंह, सी है नरेंद्र सिन्हा, डी है पी के मिश्रा। इसका आंसर जो है राजेश गोयल है। राजेश गोयल को नारेडको का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। परिषद में पदेन संरक्षक आवास और शहरी मामलों के मंत्री है। नारेडको का अर्थ राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है और इसकी स्थापना 1998 में नई दिल्ली के मुख्यालय के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा अगप्पे चित्रा मैग्ना को किस तिथि को लॉन्च किया गया। ए है 18 मई 2020, बी है 21 मई 2020, सी है 20 मई 2020 और डी है 17 मई 2020। इसका आंसर जो है 21 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। अगप्पे चित्रा मैग्ना को 21 मई 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DHT के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया था। अगप्पे चित्रा मैग्ना मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल आधारित RNA एक्सट्रैक्शन किट है, जिसे अगप्पे डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है, जो इन विट्रो डायग्नोस्टिक का निर्माण करती है और कोचिन में स्थित एक विनिर्माण कंपनी है। प्रौद्योगिकी RNA को रोगियों के नमूने से कैप्चर करने के लिए चुंबकीय नैनो कणों के उपयोग द्वारा RNA के अलगाव की विधि का उपयोग करती है और यह तकनीक नवाचार सकारात्मक मामलों की पहचान की संभावना में सुधार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए है 19 मई, बी है 20 मई, सी है 21 मई, डी है 22 मई। इसका आंसर जो है वो 21 मई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। चाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी खपत बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। चाय का उत्पादन और इसके प्रसंस्करण किससे अत्यधिक गरीबी में कमी आती है, जो कि SDG 1 का पहला लक्ष्य है और भूख के खिलाफ लड़ाई, जो SDG का दूसरा लक्ष्य है। चाय उद्योग भी महिलाओं को सशक्त बनाता है और स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली के अस्थायी उपयोग में मदद करता है, जिससे 5वीं और 15वीं SDG प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ग्रामीण विभाग और सतत आजीविका के लिए चाय के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक तत्काल आवश्यकता है, जो कि 2030 एजेंडा को सतत विकास प्राप्त करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने छावनी बोर्डों के प्रबंधन हेतु ई गो फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ए है रक्षा मंत्रालय, बी है विदेश मंत्रालय, सी है गृह मंत्रालय और डी है वित्त मंत्रालय। इसका आंसर जो है रक्षा मंत्रालय। छावनी बोर्डों के प्रबंधन के लिए ई गवर्नमेंट फाउंडेशन के साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। महानिदेशक रक्षा संपदा यानी DGD ने पहल के तहत देश भर में 62 छावनी बोर्डों को डिजिटल और ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए ईगो फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। ई छावनी पहल के तहत कई नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी के लिए क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन हेतु EGOV और DGDE फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 20 मई 2020 को स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है। ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार, डी है महाराष्ट्र। इसका आंसर जो है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 20 मई 2020 को स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को पहली किस्त में 15 करोड़ रुपये जारी किए हैं। राज्य सरकार ने नौकरी सीजन को बढ़ावा देने के लिए
सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार उन प्रवासियों को अपने कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान करेगी जो वापस आ गए हैं। स्टार्टअप नीति जो स्वास्थ्य शिक्षा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है, कई युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरणा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु किस विश्वविद्यालय को चुना गया है? ये है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, बी है कानपुर विश्वविद्यालय और सी है राजीव गांधी विश्वविद्यालय, डी है राजस्थान खेल विश्वविद्यालय। इसका आंसर है राजीव गांधी विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र यानी कि NCSSR के तहत खेल विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी विश्वविद्यालय यानी RGU का चयन किया गया। खेल विज्ञान में MSc और PhD कार्यक्रम केंद्र द्वारा आयोजित किए जाएंगे जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए है 25 मई, बी है 20 मई, सी है 22 मई और डी 21 मई। इसका आंसर है 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है, इसलिए हर वर्ष 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? ए है मध्य प्रदेश, बी है दिल्ली, सी है छत्तीसगढ़ और डी है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य COVID-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए है 20 मई, बी है 21 मई, सी है 22 मई, डी है 23 मई। इसका आंसर जो है 21 मई है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर रखना, शांति और मानवता का संदेश फैलाना, लोगों को जागरूक करना, एकता को बढ़ावा देना और युवाओं में देशभक्ति जगाना होता है और आज आम लोगों की पीड़ा को उजागर करना है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। दिन का उपयोग शांति, मानवता और एकता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्पर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए है राजस्थान, बी है दिल्ली, सी है छत्तीसगढ़ और डी झारखंड। इसका आंसर झारखंड है। प्रवासियों की सहायता के लिए तत्पर योजना झारखंड राज्य सरकार ने शुरू की है। रांची के जिला प्रशासन ने प्रवासियों को थका देने वाली पैदल यात्रा की सुविधाजनक बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। जिला प्रशासन ने पहल के शुभारंभ के बाद बसों में लगभग 140 प्रवासियों को अपने आवास भेजा है। अधिकारी उन प्रवासियों के कार्यक्रम के तहत जानकारी एकत्र कर रहे हैं जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल चल रहे हैं ताकि उन्हें परिवहन की सुविधा मिल सके। प्रवासी श्रमिकों को बस सुविधा प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रशासन द्वारा एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। आज का वीडियो यहीं पर एंड अप होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।